बेब्लेड मेटल सीरीज के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि बे बैटल के टाइम अपने बेब्लेड स्पेशल मूव में थंडर या फिर लाइटिंग एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, और आज मैं उनमें से 5 ऐसे बेब्लेडर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने स्पेशल मूव में लाइटिंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसको लास्ट तक जरूर देखना। और अगर कोई लाइटनिंग यूज करने वाला ब्लेडर आपको पसंद हो तो उसका नाम भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो चलिए और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। सो 5वें नंबर पे जो बेब्लेडर और जो बेब्लेड आता है, बेब्लेड का नाम है ओमेगा ड्रैगोनस, और इसका जो बेब्लेडर है उसका नाम है रायुटो, जो कि बेब्लेड मेटल फ्यूरी के सीजन में हमको एक ट्रेजर हंटर दिखाया गया है। और इसका जो बेब्लेड है ओमेगा ड्रैगोनस, ये एक लाइटनिंग ट्राइब ड्रैगन हमको दिखाया गया है। इसके अलावा भी इसने जब झिंगा के कॉस्मिक पेगासस के खिलाफ अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल किया था तो उसका जो स्पेशल मूव का नाम हमको बताया गया था उसका नाम था हैमर बोल्ट, और उस टाइम पे रायुटो के दोनों हाथ में लाइटनिंग एनर्जी जनरेट हो रही थी, और ये बोल्ट शब्द भी लाइटनिंग या फिर बिजली को डिनोट करते हुए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज के अलावा भी रायुटो ने जब डायनामिक्स से मुकाबला किया था बेब्लेड फाइट में, उस टाइम पे भी उसने जितनी भी बार भी डायनामिक्स पे अटैक किया था उसमें हमको काफी बार उसने अपने लाइटनिंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। अब भले ही वो अपने दोनों मैचेस ही हार गया हो जो कि हमको सीजन में दिखाया गया, लेकिन उसको पहली बार में ही 2 लेजेंडरी ब्लेडर से बैटल करवाया गया था जिसकी वजह से उसका तो हारना पक्का था। अगर वो कोई मामूली ब्लेडर से लड़ते हुए हमको दिखाया जाता और उसको हराते हुए दिखाया जाता तो उसका पावर लेवल का अंदाजा हम लगा सकते थे, लेकिन सबसे पहले ही उसको पहले झिंगा से नेक्स्ट डायनामिक्स से लड़वाया गया जो कि 2 काफी अच्छे लेजेंडरी ब्लेडर्स थे। इसी वजह से रायुटो बेब्लेड मेटल के सीजन 3 में उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया था, और इसी चीज की वजह से रायुटो नंबर 5 पे आता है। स्वेयर नंबर 4th पोजीशन पे जो बेब्लेडर हमारा आता है जो कि लाइटनिंग एनर्जी का इस्तेमाल करता है, उस बेब्लेडर का नाम है मासामुने कडोया, जी हाँ द नंबर 1। और ऐसा कोई नहीं होगा जो कि इसका बेब्लेड का नाम नहीं जानता होगा। जी हाँ, इसका बेब्लेड का नाम है रे स्ट्राइकर, जो कि सीजन 3 में इसने अपग्रेड कर लिया था और उसका नाम था ब्लिट्ज स्ट्राइकर। स्ट्राइकर बेब्लेड का जैपनीज नेम है ब्लिट्ज यूनिकॉर्नो। खैर, बेब्लेड मेटल मास्टर सीजन में रे स्ट्राइकर का फीट्स उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन जब उसने ब्लिट्ज स्ट्राइकर में इसको इवॉल्व किया उसके बाद इस नए बेब्लेड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ब्लिट्ज स्ट्राइकर का जो स्पेशल मूव है उस स्पेशल मूव का नाम है फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, जिसका इस्तेमाल करके मासामुने ने काफी सारे ब्लेडर को बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर दिए है या फिर उस ब्लेडर को हराया है। खुद एक लेजेंडरी ब्लेडर ना होते हुए भी उसने सोलर सिस्टम लेजेंडरी ब्लेडर के किंग को बहुत ही ज्यादा अच्छी टक्कर दिया था बेब्लेड मेटल फ्यूरी में। उन दोनों का बैटल बहुत ही ज्यादा लॉन्ग चला था, ऐसा लग रहा था कि बैटल टाई हो जाएगा, लेकिन एक लेजेंडरी ब्लेडर के सामने खुद एक नॉन लेजेंडरी ब्लेडर होकर इतना अच्छा टक्कर देना और बैटल को इतना लॉन्ग खींच देना, ये एक काफी बड़ा फीट है। इसके अलावा भी नेमेसिस ने जब अपने डार्क बैरियर का इस्तेमाल किया था सारे लेजेंडरी ब्लेडर्स के ऊपर, उस टाइम पे मासामुने ने ही अपने ब्लिट्ज स्ट्राइकर का इस्तेमाल करके वो डार्क वॉल तोड़ा था, जो कि एक काफी बड़ा फीट बन जाता है मासामुने के लिए। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मासामुने हमारे लाइटनिंग ब्लेडर्स के लिस्ट में नंबर 4th पोजीशन पे आया है। सो नंबर 3rd पोजीशन पे हमारा जो बेब्लेड आता है वो बेब्लेड अभी तक का सबसे पहला ऐसा बेब्लेड है जो कि बेब्लेड मेटल फ्यूजन में पहली बार उसने दिखाया था कि लाइटनिंग एनर्जी किसे कहते हैं। इसके अलावा भी उसने दिखाया था कि असली डार्क पावर किसे कहा जाता है। पहली बार उसने डार्क पावर का खौफ सबको दिखाया था। जी हाँ, मैं और किसी बेब्लेड की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ लाइटनिंग एल ड्रैगो की। तो अभी आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर लाइटनिंग एल ड्रैगो नंबर 3rd पोजीशन पे है तो नंबर 2 और नंबर 1 पोजीशन पे ऐसा कौन सा बेब्लेड है जो लाइटनिंग एल ड्रैगो को हरा देगा। तो सबर रखो, आपको एक्सप्लेनेशन जरूर मिल जाएगा कि नंबर 1 एंड 2 पे ऐसे 2 महान बेब्लेड्स हैं जो कि लाइटनिंग एल ड्रैगो को भी हरा सकते हैं या फिर लाइटनिंग एल ड्रैगो को हराने की पावर रखते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि लाइटनिंग एल ड्रैगो के बारे में मुझे आपको बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि जिन्होंने भी पूरा बेब्लेड मेटल सागा देखा है उनको लाइटनिंग एल ड्रैगो के बारे में काफी अच्छे से पता होगा। ये वही फॉरबिडन बेब्लेड है जो कि अपने सारे ओनर्स के लाइफ को छीन लेता था। बस एक ही बेब्लेडर जो कि इसके पावर को ओवरकम कर पाया और अपने आप को उस डार्क पावर के साथ सिंक करवा पाया वो था रायुगा। और मुझे ये भी नहीं लगता कि रायुगा के बारे में मुझे और भी बहुत कुछ बताना जरूरी है, क्योंकि सभी लोगों को ज्यादातर रायुगा के बारे में पता है।
सो नंबर सेकंड पोजीशन पे जो लाइटनिंग बेब्लेड आता है वो बेब्लेड कोई नॉर्मल बेब्लेड नहीं है, वो बेब्लेड एक लेजेंडरी बेब्लेड है और वो एक सोलर सिस्टम लेजेंडरी बेब्लेड है। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि वो कौन सा ऐसा सोलर सिस्टम लेजेंडरी बेब्लेड है जो कि लाइटनिंग या फिर थंडर पावर इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, उस बेब्लेड का नाम है वेरी एरिस। जी हाँ, वेरी एरिस एक ऐसा बेब्लेड है जिसके स्पिरिट को एरिस से इंस्पायर होकर बनाया गया है जो कि है गॉड ऑफ वॉर, और उसके स्वॉर्ड को स्वॉर्ड ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है। और जब इस बेब्लेड का ओनर किंग इस बेब्लेड का स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है, उस स्पेशल मूव का नाम होता है किंग ऑफ थंडर स्वॉर्ड, जिसमें एरिस के स्वॉर्ड के ऊपर मार्स पैनेट से एक बिजली गिरती है और उस बिजली का इस्तेमाल करके उस स्वॉर्ड से वो अपने सारे दुश्मनों को हराता है। बिल्कुल ऐसी तरीके से ही किंग ने अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करके काफी सारे ब्लेडर्स को हराया है। इवन उसने रायुगा को भी काफी कड़ी टक्कर दी थी, जिस वजह से रायुगा को भी एक पल के लिए सीरियस हो जाना पड़ा था और किंग के साथ सीरियसली मुकाबला करना पड़ा था, तब जाके वो किंग को हरा पाता है। तो आप लोगों ने देखा एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर्स के साथ भी उसने काफी अच्छी टक्कर दी थी। इसका मतलब आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वो लाइटनिंग एल ड्रैगो पे हराने के काबिल तो था ही और वो एक लेजेंडरी बेब्लेड भी है। तो जी हाँ, इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमने वेरी एरिस को सेकंड पोजीशन पे रखा है। सो गाइस, अब बारी आ चुकी है सबसे ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग टाइप बेब्लेड का नाम आप लोगों को बताने का। तो जी हाँ, नंबर वन पे जो बेब्लेड आता है वो भी एक सोलर सिस्टम लेजेंडरी बेब्लेड्स में से एक है और उस बेब्लेड का नाम है जेड जुपिटर। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि जुपिटर का स्पिरिट जो है वो ज्यूस से इंस्पायर्ड है, बिल्कुल जैसे ज्यूस गॉड ऑफ थंडर है और उनके हाथ में एक लाइटनिंग बोल्ट रहता है जिसकी वजह से वो लाइटनिंग को कंट्रोल कर पाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो जुपिटर का स्पिरिट है उसके हाथ में भी एक थंडर बोल्ट हमको दिखाया जाता है और उसी थंडर बोल्ट की मदद से जेड जुपिटर एक बहुत ज्यादा खतरनाक स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है और उस स्पेशल मूव का नाम है ग्रैंड लाइटनिंग। इस स्पेशल मूव का इस्तेमाल करने के बाद जो जेड जुपिटर का स्पिरिट है उसके हाथ में जो थंडर बोल्ट रहता है वो उसको बहुत जोर से फेंकता है अपने ओपोनेंट के ऊपर और बहुत जोर की बिजली गिरती है जिसकी वजह से अपना ओपोनेंट ढेर हो जाता है। और अगर हम ब्लेडर्स को इंक्लूड ना करे तो सारे जितने भी सोलर सिस्टम के लेजेंडरी बेब्लेड्स हैं, जो प्लेनेट लेवल के बेब्लेड्स हैं, उन सभी प्लेनेट में सबसे ज्यादा सुपीरियर और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है जुपिटर और इसी वजह से सारे सोलर सिस्टम बेब्लेड में से थियोरिटिकली जुपिटर ही सबसे ज्यादा ताकतवर बेब्लेड है। इसी वजह से वो वेरी एरिस से भी ऊपर आता है। खुद ज्यूस के हाथ में ही थंडर बोल्ट मौजूद हो और उसी से स्पेशल मूव यूज किया जाए तो उससे ताकतवर थंडर बोल्ट और किसके पास हो सकता है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से जेड जुपिटर बेब्लेड आता है हमारे नंबर वर्स्ट पोजीशन पे। सो गाइस, मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये लाइटनिंग टाइप बेब्लेड्स के ऊपर वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों को कि आपका कौन सा लाइटनिंग टाइप बेब्लेड सबसे ज्यादा फेवरेट है और मुझे पता है मेजोरिटी का तो लाइटनिंग एलड्रैगो होगा, और भी कुछ एक्स्ट्रा और है जो आपको पसंद है लाइटनिंग एलड्रैगो के अलावा तो उस बेब्लेड का नाम मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाना। इस बार एक लाइक एम रखता हूँ 500 लाइक्स का, बहुत ही कम लाइक्स है तो जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट कर देना। और इस चैनल पे नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते तो जरूर जाना। बेकार की बातें मैं बहुत बक रहा हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन अगर आप सुन रहे हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी ये बकवास सुन रहे हो, अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हो, वीडियो छोड़ के नहीं गए हो तो अच्छी बात है। जो लोग मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, मैं उनको बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो एंड तक देखते हो, बस टॉपिक का चीज खत्म हो जाए उसके बाद वीडियो छोड़ के नहीं भाग जाते। थैंक यू भाई अगर तुम देख रहे हो तो सभी का शुक्रिया हमारे चैनल के साथ अभी तक इस टाइम तक भी जुड़े रहने के लिए। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में। और हाँ, अपने टॉपिक्स भी आप मुझे कमेंट में सजेस्ट जरूर करना, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का जरूर सोचूंगा। तो कमेंट जरूर करना अपना टॉपिक। तो तब तक के लिए गुड बाय।